स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सिक्स मैथ्स चैप्टर एट डेसिमल्स पार्ट फर्स्ट में देखेंगे कि डेसिमल किन वैल्यूज़ को बोला जाता है, उनको हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर नॉर्मल किस वर्ड को बोलोगे आप लोग के डेसिमल में होता है या नहीं होता है, ये सारी चीज़ आज हम टॉपिक में समझेंगे। सो स्टूडेंट्स, हमारा आज टॉपिक है डेसिमल्स। डेसिमल मतलब क्या होता है? डेसिमल जो वर्ड है वो निकल के आया है लैटिन वर्ड डिसेम से, ठीक है। इसका मतलब होता है टेन। डेसिमल का मतलब होता है यहाँ पे हम, डिसेम का मतलब होता है टेन। डेसिमल मतलब कैसे लिखते हैं डेसिमल को? अगर मैंने लिखा किसी चीज़ को 2.3, तो ये क्या लिखा है? मैंने इसको इसके डेसिमल फॉर्म में लिखा है, ठीक है। अब अगर मुझे उसको फ्रैक्शन में चेंज करना है तो मैं कैसे चेंज करूँगी? 2.3 है, इसमें से जब भी पॉइंट हटाया तो नीचे आता है 1। पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट्स होती है उतने जीरोस आ जाते हैं, तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 1, तो यहाँ पे आएगा 10। एक और हम एग्जांपल लेते हैं, 2.35। पॉइंट हटाया 1, कितनी डिजिट्स है? 2 डिजिट है, तो हमने 2 जीरो लगा दिए। तो ये जो पार्ट होता है ये होता है होल पार्ट, और ये नंबर जो होता है ये होता है डेसिमल नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से हम डेसिमल को रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ नेक्स्ट है डेसिमल की कन्वर्जन्स क्या होते हैं, आपको कुछ कन्वर्जन्स है जो याद रखना है बेटा। 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है, और 1 मीटर में 1/100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग क्या होते हैं, कन्वर्जन्स होते हैं जो आपको याद रखने रहेंगे, ठीक है। आगे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो नाउ नेक्स्ट है टेबल कैसे होती। आपने प्लेस वैल्यू जो नॉर्मल नंबर के लिए तो पढ़ा है कि वंस होता, टेंस होता, हंड्रेड होता, थाउजेंड होता, 10,000 और लैक होता। लेकिन अगर 1/10 की बोलेंगे तो 1/10, 100th, 1000th, 1, इस तरीके से वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये होते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट्स डेसिमल के लिए। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नंबर, देखो मैंने लगा लिया है 0.6, तो डेफिनेटली ये वैल्यू 0 और किसके बीच में है? 1 के बीच में है, ठीक है। तो 0 और 1 के बीच में है, तो हमने फ्रैक्शन बनाए, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। इसके बीच में भी 10 इक्वल पार्ट होते हैं, ठीक है, 5 और ये 6, 7, 8, ये हो गया 10 इक्वल पार्ट्स। 0.6, तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 और 0.6। तो इस तरीके से हम इस पर 0.6 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ आपको टेबल्स तो समझ में आएगी कि हम टेबल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद फ्रैक्शन इज डेसिमल, फ्रैक्शन दे रखा है आपको, बोले डेसिमल में कन्वर्ट करो। जैसे मैंने लिखा 9/10, 9/10 मतलब 19/10 है, तो कितने जीरो है नीचे? 2 जीरो है। तो काउंट करो ऊपर से लास्ट डिजिट के पहले, लास्ट डिजिट को काउंट करना, यहाँ पे पीछे से एक डिजिट के पहले क्या लगा दो आप? पॉइंट। तो ये क्या हो गया? 1.9। अगर यहाँ पे 2 जीरो होते तो आप कितने डिजिट काउंट करते? 2 डिजिट्स काउंट करते। 1/19 में क्या होता? 100, तो पीछे से 2 डिजिट, 1, 2, तो आंसर क्या आ जाता? 0.19, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है 13/5 को आपको डेसिमल में करना है कन्वर्ट। या तो आप डिवाइड कर दो सीधे उसको 13 को 5 से, या फिर आप नीचे वाले नंबर में ऐसा मल्टीप्लाई करो कि वो 10, 100, 1000 इस तरीके से, तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये एक अलग मेथड इन लोगों ने दी है, बड़ी मेथड। आप नहीं तो डायरेक्ट डिवाइड भी करेंगे ना 13 को 5 से, तो भी आपका आंसर आ जाएगा 2.6 ही, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है फ्रैक्शंस में कैसे ऐड करते हैं, तो आपको भी समझा ही दिया था फ्रैक्शन में ऐड करना क्या होता है, सीधी बात है। अब इसमें आपको राइट द फॉलोइंग नंबर्स एज इनके नंबर बनाने हैं। तो देखो बेटा, टेंथ के कितने पार्ट है? 3, वंस का 1। अब पॉइंट आ जाएगा क्योंकि टेंथ पार्ट आ गया, टेंथ मतलब डेसिमल वाला, तो इसके कितने हैं? 2, तो इसका आंसर क्या हो गया? 31.2। अब जैसे 100 के कितने पार्ट है बेटा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100 पार्ट बोल दो, तो इसको हम बोल देंगे 1। 10 के कितने हैं? 2, 1, 2, ठीक है, और यहाँ पर 102 आएगा, 102.4। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनके ब्लॉक से रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेसिमल्स को, ठीक है। नाउ आपको इसके डेसिमल वैल्यू को प्लेस वैल्यू चार्ट पे लिखना है, तो ये होगा वंस, फिर टेंस, फिर हंड्रेड, इधर टेंथ,
इधर 100, ठीक है, काउंट करो। पॉइंट के बाद जो जस्ट डिजिट होती है वो टेंथ में आती है, तो पॉइंट के बाद टेंथ में कौन आएगा, 4। वंस की प्लेस पे है 9, टेंथ की प्लेस पे है 1। तो इस तरीके से हम प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर भी लिख सकते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें डेसिमल में लिखना है आपको, तो डेसिमल में लिख लेंगे 9/10। 9/10 मतलब 9/10 मतलब 0.9। नेक्स्ट है 13/10 एंड 8/10। 13/10 मतलब 3/10 मतलब 30, टेंथ की प्लेस पर 10 होता है ना, और 8/10 8/10 तो 30.8 आ जाएगा आंसर। इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जब भी हमें वर्ड्स दे रखे हैं और फिगर में लिखना होता है। तो राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल, आपको इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। 9/10 एक जीरो है, एक डिजिट के पहले पॉइंट लग गया। 4 तो एज इट इज़ होल नंबर ही है, 8/10 को लिख सकते हैं 0.8, तो ये हो गया 4.8। इस तरीके से आपको नंबर्स जो नीचे दे रखे हैं इनको आपको काय में लिखना है, डेसिमल्स में लिखना है। नेक्स्ट है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल एज फ्रैक्शन इन लोएस्ट फॉर्म। आपको इसको इसके लोएस्ट फॉर्म में डिवाइड करना है। लोएस्ट फॉर्म में करना है मतलब इससे फ्रैक्शन में चेंज करके, अगर ये कैंसिल हो रहा है तो उसको कैंसिल करना है। इस लोएस्ट फॉर्म मतलब अगर ये किसी की टेबल से कैंसिल हो रहा है तो उसको आपको कैंसिल करना है। 0.7 है, पॉइंट हटाया अपॉन में आया 10, क्या ये किसी की टेबल से कैंसिल होगा 7/10, तो इसका नहीं होगा, तो इसका आंसर आ गया 7/10, ठीक है। नेक्स्ट है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग है सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल। मिलीमीटर से आपको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में और फिर उसको लिखना है डेसिमल में। तो जैसे 2 मिलीमीटर है, मैंने आपको पढ़ाया था कि 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर होता है, तो 2 मिलीमीटर इक्वल्स टू 2/10, दैट इज 0.2 आंसर हो गया सेंटीमीटर में। अब 30 मिलीमीटर है, 30 मिलीमीटर यानी 30/10, तो 0 से 0 कैंसिल, तो 3 सेंटीमीटर हो गया। इस तरीके से आप लोग इन नंबर्स को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, बिटवीन विच टू होल नंबर ऑन द नंबर लाइन डज द गिवन नंबर लाइन, ये नंबर किस नंबर लाइन के बीच में होगा। 0.7 डेफिनेटली 0 और 0 एंड 1, ये 1 एंड 2 के बीच में, ये 2 एंड 3 के बीच में, क्योंकि ये 3 से ज़्यादा है ना, तो 3 से स्टार्ट हुआ होगा, और 4 से कम है तो 4 के बीच में, ये 4 से स्टार्ट हुआ है और 5 से कम, तो इसके बीच में आ जाएगा। नेक्स्ट है, नंबर्स को आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। कर देते हैं हम, ये मैंने 4 डिवीजन बनाए हैं, 0 से 4 3 2 ये 1, इसके अंदर भी 10 डिवीजन होते हैं बेटा, 10 काउंट कर लेंगे हम इस तरीके से, 10 10 10 10 लाइन बना दो आप। ये भी मैंने रफली बनाई है, आपको प्रॉपर उसमें स्केल से मेजर करके 10 10 लाइन बनानी है हर के बीच में। 0.6 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0.6। 0.9 7 8 9, तो ये हो जाएगा 0.9। इस तरीके से आप बाकी नंबर्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 2.2 है तो मतलब 2 के बाद आएगा, 4.7 है तो 4 के बाद आएगा, 3.5 है तो 3 के बाद आएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला राइट द डेसिमल दैट आर रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट्स पी क्यू आर एस टी क्यू ऑन गिवन नंबर। आपको ये नंबर्स दे रखे ना, इसको बताना है, 0 से काउंट करो 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 0.5। ये 1 के बाद 1.1 1.2, 2 के बाद 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6, ये हो गया 2.6। इस तरीके से हम लोग नंबर्स को लिख सकते हैं बेटा। सो नेक्स्ट टॉपिक है 100। जैसे अभी हमने 10th की बात करी, अब 100 हो, जैसे यहाँ पे लिखा है 15/100 मतलब 100 के 15 पार्ट्स शेडेड होंगे, 8/100 मतलब 8 पार्ट्स 100 में से शेडेड होंगे। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं टेबल में देखो बेटा, 1000 फिर 100 फिर 10th, मतलब 1, 10, 100, 1000, 10th और 100 हो जाएगा। अब देखो आपको नीचे ब्लॉक्स दे रखे, क्लियर है। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो 100 ब्लॉक है, तो 100 हो गया। टेंथ के कितने हैं, 3 टेंथ के ब्लॉक्स हैं, 3 वंस के ब्लॉक हैं, 1 टेंथ के और 500 के, तो नंबर क्या बन जाएगा, 133.15। तो इस तरीके से हम लोग इसको प्लेस वैल्यू टेबल चार्ट के अंदर फिल करते हैं बेटा। नेक्स्ट डेसिमल में कन्वर्ट करना आपको इजी है। देखो एक तो मैंने आपको बताया था डायरेक्ट 3 को 4 से डिवाइड कर दो तो भी आंसर आ जाएगा, या फिर 4 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें हमें कि 10 के फॉर्म में मिले। तो मैं अगर 4 में मल्टीप्लाई कर दूंगी 25 का,
तो देखो 100 आ जाएगा, तो 75 अपॉन में 100, तो दो जीरो है, दो डिजिट के बाद इसमें पीछे से पॉइंट लग जाएगा 0.75। ठीक है, लोएस्ट फॉर्म में अभी हमने सीख ही लिया था, लोएस्ट फॉर्म में कैसे करते हैं, हम पॉइंट हटा के नीचे जीरो ले आते हैं, और अगर वो किसी टेबल से कैंसिल आउट हो रहे हैं तो उसको कैंसिल कर देंगे बेटा। नाउ एडिशन हम लोगों ने लास्ट वाले में एक्सरसाइज में भी देखा था, सीधे आपने एक्सपेंडेड फॉर्म करा है ना, तो 180 और प्लस 5 इन सबको प्लस कर दो, तो ये हो जाएगा 185। 2/10 को लिख सकते हैं 0.2, 3/100 को लिख सकते हैं 0.03। अब इन सबको प्लस करना है, तो ये क्या हो जाएगा 185.23। इस तरीके से हम लोग एडिशंस करते हैं बेटा। नाउ नेक्स्ट है इसके बाद हम एक्सरसाइज पर आते हैं, राइट द डेसिमल इंफॉर्मेशन ऑफ द गिवन नंबर। कितने हैं इसमें, एक ही 100th ब्लॉक, तो सिंपल 100 आ जाएगा। 100 के यहाँ पे कितने हैं, दो आ जाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर भी दो है, यहाँ पे भी दो है, तो इस तरीके से हम लोग राइट द डेसिमल इन्फॉर्मेशन हम लोग इसके बेसिस पे लिख सकते हैं। देखो 0, 1, 100 के लगाए हमने, तो 10th के कितने हैं, दो हैं, 100 के 3 हैं, ऐसे 1 है 1, 4 लिखा, फिर इस तरीके से हमने इसको फिल किया है बेटा। तो अब आप चेक करेंगे नंबर की बात करें, तो 1s कौन है, 0, जहाँ 10th शुरू हो जाता है वहाँ पे हम पॉइंट लगा देते हैं, तो 0.23, 1.14, 1.23, 1.05। ठीक है, इस तरीके से हम लोग टेबल से नंबर को बना सकते हैं, जहाँ 10th शुरू हो वहाँ डेसिमल लगा देना। यहाँ पे आपको क्या करना है, इनके नंबर्स लिखने हैं, तो 2, 2, 3 तक तो होल नंबर है, 10th आ गया मतलब पॉइंट लग जाएगा, तो 2, 2, 3.150, 0, 1, 2.528। तो ये तरीका होता है नंबर्स लिखने का, बहुत ईजी है बेटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन प्लेस वैल्यू टेबल। प्लेस वैल्यू टेबल पे लिखना है, ये 100th थे, मैं सिर्फ मार्क करके बता रही हूँ, 100th, ये 1/10 और ये कुछ भी नहीं है, तो ये 100 वाली प्लेस भर आएगी और एक 1/10 वाली होगी, इधर 100th, 1/10 और ये हो जाएगी 1s, 100th, 1/10, 1s, 10s, 100। ये इस तरीके से हम लोग सारी प्लेस वैल्यू टेबल के अंदर इसको फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल। पहले आपको इसको सम करना, मैंने आपको बताया था होल नंबर को डायरेक्ट प्लस कर लो, 30 + 2 हो गया 32। 5/10 को लिख सकते हैं 0.5 और 2/100 को लिख सकते हैं 0.02। सबको प्लस कर देंगे तो 32, पॉइंट नहीं है ज़ीरो लगा दो, 0.5 और 0.02, इन सबको ऐड किया तो आपको मिलेगा 32.52। इस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं। मैं आपको एक और क्वेश्चन इसका सॉल्व करके बताती हूँ बेटा, किस तरीके से हमने इसके अंदर इस वैल्यूज़ को सॉल्व किया है। मैं अगर लेती हूँ 701 + 5 + 6/10, मैंने होल नंबर को पहले ऐड कर दिया तो 706 हो गया, और 6/10 को लिखते हैं 0.6, ऐड करोगे तो 706.6। तो ये होता है डेसिमल से वैल्यूज़ को निकालने का। ठीक है, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आपको सारे क्वेश्चंस के एग्जांपल्स के साथ एक एक समझा रही हूँ, ताकि आप एक्सरसाइज जब समझें तो आपको क्लियर रहे सारी चीज़ें। यहाँ डेसिमल्स को वर्ड्स में लिखना है आपको, जैसे 0.09 है तो इसको इस तरीके से लिखा 0.09, 0.15 को 0.15, ऐसे ही, एक मिनट बेटा, 3.156 को तो 3.156, पॉइंट के बाद नंबर को एक साथ काउंट नहीं करते, इंडिविजुअली काउंट किया जाता है। नेक्स्ट आपको डेसिमल से लिखना है बेटा, किसमें डेसिमल से लिखना है नंबर, मतलब आपको वर्ड दे रखे हो उससे नंबर में लिखना है, 9.07 तो 9.07, 30.53 तो 30.53, 16.75 तो 16.75। इस तरीके से हम वर्ड से नंबर में लिख सकते हैं। राइट द राइटेस्ट फ्रैक्शन इन लोएस्ट फॉर्म। लोएस्ट फॉर्म मतलब पॉइंट हटाना है आपको, पॉइंट हटाएं, पॉइंट हटाया, वन आया, वन के पॉइंट के बाद दो डिजिट तो दो जीरो, 75/100, दोनों ही 5 से डिवाइड हो सकते हैं, तो 5 × 1 = 5, बच्चे 2, 5 × 5 = 25, और ये हो जाएगा 5 × 2 = 10 = 20, फिर से 5 से जाएगा, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20, तो ये हो गया इसका लोएस्ट फ्रैक्शन 3/4। ठीक है, ऐसे आपको सारे नंबर्स में से पॉइंट हटा के उनके अपॉन में जितने भी जीरोस आ रहे हैं उनसे हमें सॉल्व करना है। नाउ नेक्स्ट है कंपेयर द फॉलोइंग डेसिमल्स। डेसिमल्स को आपको कंपेयर करना है, सबसे पहले आप चेक कर लो क्या उनके होल पार्ट सेम है।
अगर होल पार्ट सेम हो तो सिर्फ फ्रैक्शन वाले जो डेसिमल वाली वैल्यूज़ हैं उसमें चेक कर लो कौन बड़ा है। तो 35 और 15 में कौन बड़ा, डेफिनेटली 35, तो 7.35 इज़ ग्रेटर देन 7.15। ऐसे अगर मैं एक ले लूँ 2.467 और 2.468, ठीक है, तो कौन बड़ा है, 2 बड़ा है, दोनों ही सेम है, 467 बड़ा है कि 468, तो 468। इस तरीके से बेटा हमने डेसिमल वाले चैप्टर के कंपैरिजंस देख लिए हैं, 100th वाले पार्ट्स में समझ लिए हैं क्वेश्चंस को, 10th वाले पार्ट को समझा है कैसे हम उसको लोएस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे हम डेसिमल्स वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं, कैसे हम वर्ड्स से नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर को वर्ड्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने आज के टॉपिक में देख ली है। थैंक यू बेटा।